दोस्तों 22 साल बाद आने के बावजूद भी गदर एक प्रेम कथा फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है। जी हाँ दोस्तों, आज इस फिल्म को रिलीज हुए तीसरा दिन चल रहा है और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई करने में लगा हुआ है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गदर फिल्म के पूरे 3 दिनों के इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। ये फिल्म अपने तीसरे दिन इंडिया से कितने करोड़ रुपए कमाने वाला है, तो बस आप लोग मेरे इस वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिएगा। उससे पहले अगर आप लोग बॉलीवुड के पाजी सनी देओल को दिल से लाइक करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। दोस्तों आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि इस फिल्म को इतनी कम स्क्रीन्स मिलने के बावजूद भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रहा है। अगर इस फिल्म को 400 स्क्रीन्स के बदले 2000 से 2500 स्क्रीन्स मिल जाए तो ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई बड़ा रिकॉर्ड बनाने में कामयाब हो जाएगा। अब आप यही लोग सोचिए कि फिल्म को पहले दिन और दूसरे दिन इतनी कम स्क्रीन्स मिली थी, फिर भी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अपना प्रदर्शन काफी शानदार दिखाया था, और आज भी फिल्म को उतनी अच्छी खासी स्क्रीन्स नहीं मिली है, फिर भी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ की है। बता दे कि आज इस फिल्म को 700 शोज मिलेंगे रिलीज होने के लिए, मतलब कि एक शोज में 3 बार फिल्मों को रिलीज किया जाता है, सुबह दोपहर शाम। खास बात तो ये है कि गदर एक प्रेम कथा फिल्म बाहुबली 2 का रिकॉर्ड ब्रेक करते हुए नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, जब प्रभास की फिल्म बाहुबली 2 रिलीज हुई थी तब फिल्मों को रिलीज होने के लिए पूरे के पूरे 4000 शोज ओपनिंग डे पर मिले थे, और फिल्म ने अपने ओपनिंग डे पर इंडिया में नेट से केवल 50 लाख रुपए का ही कारोबार कर पाया। अब आप ही लोग अंदाजा लगा लीजिए कि गदर एक प्रेम कथा फिल्मों को आज केवल 700 शोज मिले हैं और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर फाड़ डाला है। अगर वही फिल्मों को 700 शोज के बदले बाहुबली 2 की तरह 4000 शोज मिल जाते तो आप ही लोग सोचिए कि ये फिल्म कहां से कहां जाकर पहुंचती। अगर बात करें फिल्म के तीसरे दिन के इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अनिल शर्मा के डायरेक्शन में फिल्म बनी थी। फिल्म में हमें दोबारा से सनी देओल सर के साथ साथ अमीषा पटेल और अमरीश पुरी लीड रोल में देखने को मिले हैं। वाकई में इन सभी की एक्टिंग और परफॉर्मेंस सिनेमा में ऑडियंस को दोबारा से भरपूर पसंद आ रहा है, खासकर सनी देओल सर की। बता दे कि अपने ओपनिंग डे के दिन फिल्म को केवल 400 स्क्रीनें मिली थी और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस को हिला डाला। बता दे कि फिल्म ने कमाई इंडिया में नेट से 30 लाख रुपए। तो वही हमें पहले दिन के कमाई के कंपैरिजन में दूसरे दिन फिल्म के कमाई में हमें काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला था। बता दे कि अपने रिलीज के दूसरे दिन फिल्म ने कमाई इंडिया में नेट से 45 लाख रुपए। अगर बात करें फिल्म के तीसरे दिन के कमाई के बारे में यानी कि आज, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आज फिल्म को केवल 700 शोज मिले और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा प्रदर्शन किया। बता दी कि आज ही फिल्म इंडिया में नेट से 60 लाख रुपए के करीब कमाने वाला है। तो वही फिल्म का अपने पूरे 3 दिनों का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो रहा है इंडिया में नेट से 1 करोड़ 15 लाख रुपए। वैसे क्या आप लोग गदर एक प्रेम कथा फिल्म देख चुके हो, और आपको कैसी लगी हमें कमेंट में अपनी राय जरूर से बताइएगा।